हेलो जी, कैसे सारे, दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 87 पर। ग्राफ का थर्ड टॉपिक हम देख रहे हैं, थर्ड वीडियो हम देख रहे हैं। इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम एक और ट्रैवर्सल टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले, इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसको डीएफएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया बीएफएस के बारे में, डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे होती है, क्या होती है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, टेस्ट केसेस सारे पास करा लिए। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में, डीएफएस। हम इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्या मतलब है कि भैया पहले गहराई में ढूंढ के आओ। गहराई में समझाते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये ग्राफ होता, ठीक है, इस प्रकार का। और मैंने क्या किया, इन सबको ज्वाइन कर दिया कि यार ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। इसके अंदर कुछ कुछ डेटा है। ये है आपका जीरोथ नोड, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। ठीक है, लेट्स से मैं इस ग्राफ के ऊपर बीएफएस अप्लाई करता। तो बीएफएस कैसे करते थे, बहुत आसान है, बहुत आसान था। हमने शुरुआत करी जीरो के साथ, जीरो प्रिंट हो गया। फिर जीरो के बाद हम कहाँ गए, जीरो के बाद हम उसके एडजेसेंट पे गए। जीरो का एडजेसेंट कौन सा है, वो फोर है जी, आपका वो फोर है। तो हमने फोर प्रिंट कर दिया, ठीक है। फोर के बाद हम कहाँ गए, फोर के सारे एडजेसेंट पे कौन है, टू और वन। तो हमने टू और वन प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर हम टू के एडजेसेंट और वन के एडजेसेंट पे गए। टू का एडजेसेंट थ्री है और वन का एडजेसेंट फाइव है। तो यहाँ पे थ्री आ गया और यहाँ पे फाइव आ गया। तो एक BFS ट्रैवर्सल ये हो गया दोस्त, एक BFS ट्रैवर्सल ये हो गया। तो 0 4 2 1 3 5 इस प्रकार हमने एक BFS ट्रैवर्सल कर लिया है। BFS ट्रैवर्सल हम क्या करते थे, बेसिकली एडजेसेंट को देखते रहते थे कि हम किसी भी नोड पे खड़े हैं तो उसका उसके सारे के सारे एडजेसेंट हमने प्रोसेस कर दिए, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हमने क्या बोला कि हमें DFS करनी है। DFS के अंदर क्या होता है ये समझ लेते हैं। DFS सिंपल यार, हमने बोला लेट से मैं यहाँ से DFS स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मेरी जीरो प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं एक लेवल डीप गया, एक लेवल डीप जाके मेरे पास क्या आया, मेरे पास फोर आ गया। तो मैंने फोर प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फोर के बाद मैं लेट से टू की तरफ चला गया। हो सकता है मैं वन की तरफ जाऊँ, हो सकता है मैं टू की तरफ जाऊँ। मैंने मान लिया कि मैं टू की तरफ गया हूँ, तो मैंने टू प्रिंट कर दिया। फिर टू के बाद मैं थ्री की तरफ चला गया, थ्री प्रिंट हो गया। फिर थ्री के बाद मैं फाइव की तरफ चला गया, फाइव प्रिंट हो गया। फिर फाइव के बाद मैं वन की तरफ चला गया, वन प्रिंट हो गया। कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट रिकर्सिव कॉल्स किस प्रकार जाने वाले वो मैं आपको दर्शा दूंगा अभी। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में सारे एडजेसेंट नोड को ट्रैवर्स करता आता हूँ, ठीक है। मतलब इस प्रकार से मेरा ट्रैवर्सल जाता है बीएफएस के केस में। बीएफएस में ट्रैवर्सल ऐसे आता है कि पहले ये लेवल हो गया, फिर ये लेवल हो गया, फिर ये लेवल हो गया और फिर ये लेवल हो गया। तो चार लेवल के अंदर आपकी सारी की सारी नोड्स प्रिंट हो गई। और डीएफएस में क्या होता है, पहले ये लेवल हो गया, फिर 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 कुछ कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब एक बार रिकर्सिव कॉल्स देख लेंगे डीएफएस की तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट अप्रोच देखते हैं। तो फटाफट एक और एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल देखने के बाद फटाफट में स्पॉन्सर्स को शाउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सर्विस डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ मैं यार, DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मैंने बोला एक ग्राफ और बनाता हूँ, कि ये भैया हमारे पास नोड्स हैं, और ये आपस में इस प्रकार कनेक्टेड हैं। यहाँ मैंने बोल दिया कि यार ये आपकी जीरोथ नोड है, ये आपकी फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है और ये फोर्थ नोड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हमने बोला कि DFS किस प्रकार होगा, DFS वाला फंक्शन क्या करता होगा, समझते हैं। बहुत सिंपल है, पहले तो लॉजिक समझते हैं। हो सकता है कि आपके पास डिस्कनेक्टेड कॉम्पोनेंट भी हो सकता है कि यहाँ पे एक और ये कंपोनेंट हो। कंपोनेंट बोल रहा हूँ, ग्राफ नहीं बोल रहा। ये एंटायर जो है एक ग्राफ है, ये एंटायर एक ग्राफ G है और ये इसका कंपोनेंट 1 और इसका कंपोनेंट 2 है, ये भी हो सकता है। तो जब कंपोनेंट वाली गेम आती थी, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट होते थे, तो हम कैसे कोड लिखते थे कि यार एक फोर लूप चला दो आपकी जीरोथ नोड से लेके आपके n-1 नोड तक, और हर किसी के लिए ना इस प्रकार कॉल कर देना कि अगर वो नोड विजिटेड नहीं है। विजिटेड वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देख लिया था BFS वाली वीडियो के अंदर। अगर वो नोड विजिटेड नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम उसके लिए DFS कॉल कर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ हमने लॉजिक देखा था लास्ट टाइम पे, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। इस प्रकार का था। अब वेस्टेड क्या था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी यार, वेस्टेड तो बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने बोला कि यार एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम मैंने वेस्टेड रख दिया, जो बेसिकली ये ट्रैक रखता है कि कोई भी ith नोड विजिटेड है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो इसको मैंने इस प्रकार बना दिया था कि यार मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना देता हूँ। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, मैंने बोला कि मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना देता हूँ। किस टाइप का, लेट्स से मेरी नोड जो इन टाइप की है और ये तो मेरा भूल ही रहने वाला है, तो ये लो मैंने बना दिया विजिटेड। तो इस प्रकार विजिटेड वाली गेम भी हो गई। अब अगर मैं ध्यान से बोलूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होगी, किस प्रकार DFS वाले फंक्शन के अंदर क्या होने वाला है, ये भी तो पता लगे मुझे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, समझते हैं कैसे होगा। मैंने क्या बोला कि लेट्स से इस ग्राफ के लिए मैं जीरो नोड से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरी पहले DFS की कॉल जाएगी जीरो के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई जीरो नोड को ट्रू कर दो, अब विजिटेड मार्क कर दो, क्योंकि इसके लिए कॉल जा चुकी है, ठीक है। अब जीरो के बाद जब आपने जीरो कर ली ट्रैवर्स, आप कहाँ जाओगे, एक लेवल डीप जाओगे। ये जीरो के बाद 2 जाना है, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट होगी, वो हमें बता देगी कैसे बनेगी। ये जीरो के एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ 2 आ गया, 1 की में क्या आ गया 2,3 और 2 में क्या आ गया 0,1,4, 3 में क्या आ गया 1,4, 4 में क्या आ गया 2,3। कैसे बनती है, हाउ, ये हमारे ग्राफ के पहले लेक्चर 1 में देख लिया था, ठीक है, ग्राफ के लेक्चर 1 में हमने देख लिया था, ठीक है। अब मैं जब DFS 0 पर गया तो मैंने बोला कि चलो पहला स्टेप क्या होगा, DFS की कॉल चलेगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, मैंने वेस्टेड को ट्रू मार्क कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार इसके एक बार चेक करके आओ अगले लेवल पे कौन है। तो जीरो के अगले लेवल में कौन है, सिर्फ 2 है। तो आपने क्या किया, जीरो से 2 के लिए कॉल मार दी, ठीक है। 2 के लिए कॉल आ गई तो यार 2 को ट्रू मार्क कर दो, 2 को ट्रू मार्क कर दिया। अब 2 के अगले लेवल पे कौन है वो लेके आओ। उसने बोला 0 है, पर 0 के लिए मैं कॉल नहीं कर सकता। क्यों, 0 के लिए कॉल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 0 ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है। फिर मैं 1 पे गया, क्या मैं 1 के लिए कॉल कर सकता हूँ, हाँ यार 1 के लिए कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने DFS 1 के लिए कॉल कर दिया, यहाँ क्या हुआ 1 का ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यार 1 पे जाओ, 1 के अंदर मैं क्या 2 के लिए कॉल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 2 ऑलरेडी ट्रू है। क्या मैं 3 के लिए कॉल कर सकता हूँ, मैंने बोला हाँ कर सकता हूँ क्योंकि वो ट्रू नहीं है। तो DFS 3 के लिए कॉल चलेगी, 3 को आपने ट्रू मार्क कर दिया, बढ़िया। अब आप 3 पे पहुंचे, 3 में आप चेक किया 1 के लिए कॉल कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ट्रू है। क्या 4 के लिए कॉल कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो यार। तो आपने 4 के लिए कॉल कर दिया, 4 के लिए कॉल किया, 4 को ट्रू मार्क कर दो, 4 को ट्रू मार्क कर दिया, 4 पे पहुँच जाओ। क्या 2 के लिए कॉल कर सकता हूँ, मैंने बोला नहीं ट्रू है, नहीं कर सकते। क्या 3 के लिए कॉल कर सकता हूँ, ट्रू है, नहीं कर सकते, ठीक है। वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया। 3 वाले केस में 1 के लिए कॉल कर ली थी और 4 के लिए भी कॉल कर ली थी, यानी यहाँ से वापस आ गया। अब 1 के लिए मैंने 2 के लिए और 3 के लिए दोनों के लिए कॉल कर ली थी, बहुत ठीक है, यहाँ से वापस आ गया। अब 2 के लिए मैंने 0 के लिए और 1 के लिए कॉल कर ली थी, 4 के लिए नहीं की थी। 4 के लिए पूछता हूँ कर सकता हूँ क्या, उसमें बोला नहीं ट्रू है, नहीं कर सकते। ओहो, ये भी नहीं कर सकता, यहाँ से वापस आ गया। 0 के लिए सिर्फ 2 इसके लिए कॉल कर ली थी तो यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आपका आंसर क्या प्रिंट हुआ, पहले आपका 0 प्रिंट हुआ होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। वेरीफाई करो, पहले 0, ठीक है, यहाँ से ऐसे पहले 0, ठीक है, फिर 2, ठीक है, फिर 1, ठीक है, फिर 3, फिर 4, ठीक है। यही तो हमारा आंसर है, इसी प्रकार तो हमने प्रिंट किया। तो बहुत आसान एल्गोरिथम है यार, बहुत आसान एल्गोरिथम है। एक बार कोड करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको एक अनडायरेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ दिया, डिस्कनेक्टेड दिया है, तो इसका मतलब मुझे 4 लूप का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको बस वही DFS ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं और आपको वो प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहले तो मेरा काम क्या है, मुझे एजेस दे रखी है, तो मुझे सबसे पहले तो अपना एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले एडीजे लिस्ट को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कैसे करते हैं, हमने एक फॉर लूप चलाया int i इक्वल टू 0 से लेके जितनी आपके एजेस हैं, ठीक है। मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट पहले बना ली, मैंने बोला अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। पहली नोड निकाली मैंने जिसके अंदर से u कैसे निकलती है, ये भी हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, u कैसे निकलेगी, e d g e s, ith में से 0th वाला आपने वैल्यू निकाला। उसी प्रकार v कैसे निकलेगा, e d g e s, ith में से 1 वाली वैल्यू आपने निकाली और आपने बोला कि यार इन दोनों के लिए एक, इन दोनों को एडजेसेंसी लिस्ट में डाल दो। आपने बोला u v के बीच में एज बना दो और सेम v से u के बीच में भी एक एज बना दो, इस प्रकार, ठीक है। आपकी एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये आंसर चाहिए यार, इस आंसर को प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने बोला एक आंसर चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। हमने क्या बोला, हम कॉल करेंगे DFS को फॉर एवरी नोड, क्योंकि डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है। आई जीरो से चलाया हमने वी तक और हमने बोला कि अंदर जाओ, सबसे पहले वेस्टेड भी क्रिएट कर लो, एक अनऑर्डर्ड मैप आपने क्रिएट कर लिया फॉर इंट कॉमा बूल, जिसका नाम हम लिख दिया विजिटेड। ठीक है, ये भी कर लिया। अंदर हम आए, हमने बोला कि यार यहाँ तक आ गए, चेक कर लो क्या जो नोड है वो वेस्टेड नहीं है, अगर वेस्टेड नहीं है तो उसके लिए कॉल करेंगे, अगर आईथ नोड वेस्टेड नहीं है तो उसके लिए हम डीएफएस कॉल कर देंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे। डीएफएस कॉल कर रहे हैं आईथ नोड के लिए, साथ में पास कर रहे हैं विजिटेड, साथ में पास कर रहे हैं एडजेंसी लिस्ट, और यहाँ से मुझे एक डीएफएस ट्रैवर्सल मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि एक कॉम्पोनेंट मुझे यहाँ से आंसर मिल जाएगा, मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट ऑफ कॉम्पोनेंट, इस आंसर को इसमें स्टोर कर लेना भैया, मतलब जो भी डीएफएस का आंसर है वो इस कॉम्पोनेंट में स्टोर करके आ रहा हूँ मैं। अब जो भी कॉम्पोनेंट का आंसर आ गया उस कॉम्पोनेंट का मैंने अपने ये जो मेन आंसर है उसके अंदर स्टोर करा लिया, पुश बैक कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये हो गया, मैंने यहाँ से अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। बहुत बढ़िया। मैं ऊपर गया, मैंने डीएफएस वाला फंक्शन लिखा यहाँ पे, void dfs, मैंने बोला क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो नोड मेरे पास पड़ी हुई है, उसके बाद मेरे पास विजिटेड वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मुझे बनाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, ये भी मैंने पास कर दी। उसके बाद मुझे कंपोनेंट चाहिए, इसका मुझे ट्रैक रखना है, मैंने इसको बाय रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी नोड अभी आई है उसको पहले तो आंसर में स्टोर कर लो, तो आंसर में स्टोर कर लो कंपोनेंट डॉट पुश बैक, इसको आपने नोड स्टोर कर ली, ठीक है। जो भी नोड आई है उसको विजिटेड जो है वो ट्रू कर दो, विजिटेड नोड को आपने ट्रू कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हर कनेक्टेड नोड के लिए रिकर्सिव कॉल, जैसे हमने अभी रिकर्सिव ट्री में देखा था, हमने बोला फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू आपका एडीजे ऑफ नोड, इसके लिए क्या करना है, अगर ये विजिटेड नहीं है, अगर ये विजिटेड नहीं है नोड, अगर ये विजिटेड नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इतने में आपका कोड चल जाना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको फटाफट चेक कर लेते हैं रन करके, छोटी मोटी मिस्टेक है तो फटाफट ठीक कर लेते हैं। उसने बोला सेमीकॉलन भूल गए आप कहीं पे, मैंने बोला कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सेमीकॉलन, रन कर दिया। उसने बोला एडीजे लिस्ट वाज नॉट डिक्लेयर, ठीक है एडीजे होगा, फिर इंसान से गलती होती है। उसने बोला करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, मैंने बोला सबमिट करो, सबमिट करो, सबमिट करो, करेक्ट आंसर आ गया, सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आपने डीएसए का पूरा कोड लिख लिया। यहाँ पे आपने एडजेंसी लिस्ट प्रिपेयर करी और यहाँ पे आपने बोला कि फॉर डिस फॉर ऑल नोड्स कॉल डीएफएस इफ नॉट विजिटेड, सिंपल। ये आपने डीएफएस फंक्शन कॉल कर दिया और ये डीएफएस फंक्शन आप क्या करते हो, यहाँ तो आंसर स्टोर कर रहे हो, पहले तो जो भी आपकी नोड आ रही है उसको आपने आंसर में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर आप उसको मार्क कर रहे हो विजिटेड, मार्क कर रहे हो विजिटेड, और फिर हर कनेक्टेड नोड के लिए रिकर्सिव कॉल मार रहे हो। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ऐसे चलेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या होने वाली है, ध्यान से देखते हैं एक बार। तो वो दोनों की दोनों इस केस के अंदर लीनियर होगी, ठीक है, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आप कमेंट्स में बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम सीखेंगे साइकिल डिटेक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, मजा आएगा।